So today is Sunday. Sunday is a holiday. But ladies का कोई holiday holiday नहीं होता यार. आज Sunday है, मैंने workout भी कर लिया. वैसे almost Sunday को मेरा workout नहीं होता है, break होता है मेरा. लेकिन इस week मैं already दो break ले चुकी हूँ. तो एक break तो चलता है, दो break भी मैं manage कर लेती हूँ. लेकिन तीन break मतलब ही नहीं बनता. तो आप में से कुछ ladies मुझे message कर रही थी कि आप workout की routine अपनी कैसे manage करते हो. तो guys इतना मुश्किल नहीं है, काम को आप सिस्टम बना के चलो तो काम सारे हो जाते हैं. बाकी अगर दो चार काम कोई रह भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ो परे. अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखो, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने लिए काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ओके, सेकेंड थिंग इज कि आज संडे है. संडे को होता तो वैसे फंडे ही है, तो आज संडे के साथ साथ मैडम का बर्थडे भी है. तो हम जो जो करेंगे आज पूरा दिन, जो फन करेंगे, मस्ती करेंगे, तो आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी. छोटा सा केक हमने मैम से रात को 12 बजे कट करवा लिया था. बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जैस्मिन. फ्राई हो रहे हैं वड़ास, जिसको मैं रायता में डालूंगी. हाँ, इधर मैं बना रही हूँ मटर पनीर. इसके लिए ये मसाला भून रहा है अभी. तो इसको बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ऑयल में सबसे पहले मैंने छोटी इलायची डाली थी और दालचीनी डाली थी. उसके बाद लहसुन अदरक जैसे हम डालते हैं, प्याज भून लेते हैं, उसके बाद टमाटोज ऐड करते हैं. और इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी. ग्राइंड करके जब मैं इसमें मटर और पनीर डालूँगी, एंड में आपने जो चीज़ डालनी है वो है थोड़ी सी मलाई. जो हमारे घर में मलाई होती है दूध के ऊपर, उसको थोड़ा सा फेंट के हम इसमें डाल देंगे. बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है. और साथ ही आप उसमें ऐड कर दें हरा धनिया, तो बहुत ही यम्मी मटर पनीर बनता है. तो बस यहाँ पे कुछ ये वड़ाज रेडी हैं, और कुछ मैंने यहाँ पर पानी में डिप कर दिए हैं, और यहाँ पर ये फ्रोज़न मटर हैं उनको भी मैंने डिप करके रखा है, और पनीर कट कर दिया है. तो ये ऑलमोस्ट सब तैयारी मेरी डन है. तो अगर मम्मा होते तो मम्मा बनाते आज हलवा, जो बनता है श्री गुरुद्वारा साहिब में, जो प्रसाद बनता है आटे का देसी घी डाल के, वो बनाते. लेकिन क्योंकि वो अभी यहाँ पे नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो मैंने नहीं बनाया. ऐसा नहीं है कि मुझे रेसिपी नहीं पता, मुझे बनाना नहीं आता, बना मैं भी लेती हूँ. लेकिन जैसे ही उसमें देसी घी डालना होता है, पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं कम डालो कम डालो. तो मेरे से उतना देसी घी नहीं डलता अच्छे से जितना उसमें होना चाहिए. तो फिर हस्बैंड भी कहते हैं कि अगर देसी घी नहीं डाला हलवे में तो फिर क्या टेस्ट हलवे का. तो फिर इससे बेटर है कि मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि उसको खाते खाते भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कितने सेट्स और लगाने पड़ेंगे. तो बेटर है कि अवॉइड करो. अभी आज नहीं बना रही हूँ, मम्मा आएंगे तो फिर किसी दिन मैं आपके साथ उसकी रेसिपी जरूर शेयर करूँगी. इस मैडम को देखिए, इस मैडम को सिर्फ रेडी होना था सुबह उठ के. हम सब लोग 2 बजे सोए थे रात को, और मैंने पूरा ब्रेकफास्ट भी बनाया. और मैंने इसको बोला, आ जाओ अंदर आ जाओ, और मैंने इसको बोला कि बेटा थोड़ी सी हेल्प कर देना मेरी. और इसने मम्मा की कोई हेल्प नहीं की, और रेडी भी नहीं हुई प्रॉपरली. हेल्प करूं? और रेडी भी मम्मा ने किया इसको आधा आके. हेल्प करूं? हेल्प करूं. अब क्या हेल्प करोगे, अब तो मैं सारा काम कर चुकी हूं. हेल्प? क्या हेल्प? व्हाट इज दिस? इससे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए. चलो जाओ, जल्दी लेट हो रहे हो. तो अब ये जा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ फन एंड ऑल करने. तो बस अब हम लोग यहाँ पे इसकी वेट करेंगे शाम तक कि मैडम कब तक वापस आएगी, ताकि हम लोग भी इंजॉय करें. जल्दी आना, ठीक है? ओके. हाय रित,
Happy birthday to you. Happy birthday to Motu. Happy birthday to you. आज मोटू और मोटू हो गया. Is it tasty? कितने केक खाए तूने आज सुबह से? Fourth. ये fourth है. चौथा खा रही हूँ. तो फिर इसलिए. फिर वो उनको भी सर्व करते हैं. उसने पूछा. Everyone is eating unhealthy food. आप भी खा रहे हैं. जैस्मिन ने तो आज इतना unhealthy खाया है ना मतलब record तोड़ दिया. इसमें बोलते. नहीं यार प्लीज सीरियसली यस उदय चलो सीरियसली क्या यार दोबारा जीतता हूँ तो ये मैसेज मैं अपनी दादी के लिए देना चाहती हूँ ये जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है अभी ये मैंने उनकी तरफ से ली थी उन्होंने मुझे शगुन दिया था तो मैंने उन पैसों से ये ड्रेस बाय करी थी और आज वो यहाँ पे नहीं है वो आउट ऑफ स्टेशन है तो मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ अगर वो यहाँ पे थे तो वो भी बहुत खुश होते और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस डाल के और मैं मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी आई और सब ने बहुत तारीफ करी तो आई रियली होप कि वो यहाँ पे होते उनको भी बहुत मज़ा आता एंड शी इज़ माय चश्मिश एंड आई मिस हर So this is the last scene of the day. Ma'am ka birthday almost finish hone wala hai. And now she is 18 years old. Young lady. Okay. तो मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो कहना चाहती थी इसको तो मैं चाहती थी कि मैं आपके सामने कहूँ तो first of all कहना चाहूँगी कि now you are 18 years old. So make your hairstyles by yourself. And put some makeup while you are going to college or somewhere else. Okay, jokes apart. ठीक है तो first thing जो मैं कहना चाहती हूँ कि आप कितने भी बड़े हो जाओ कितनी भी आपकी age हो जाए आप हमेशा हमारे लिए बच्चे रहोगे Life में ऐसी कोई problem नहीं है जो आप हमें बताओगे और हम solve नहीं कर पाएंगे कभी भी ये मत सोचना कि मेरी ये प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स सॉल्व नहीं कर सकते मैं बड़ी हो गई हूँ तो जैसे कैसे करके मुझे खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी जैसे आप जब भी ठीक समझो आप हमें बता सकते हो हमारे पास आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है एंड सेकेंड थिंग नेवर हर्ट योरसेल्फ कभी किसी को खुश करने के लिए खुद को कभी हर्ट मत करना तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना यू आर मोर प्रीशियस देन एनी वन एल्स तो नो कहना सीखो
जहाँ आपको लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकती, इसको करने से कोई और तो खुश हो जाएगा लेकिन मेरी सोल जो है वो हर्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे नो कहो, ज़रूर कहो बेटा। लाइफ में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे जब आपको लगेगा कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं हैं पर मुझे वो करनी पड़ रही हैं किसी और की खुशी के लिए। नेवर डू दैट, ओके? हम आपको एडवाइस दे सकते हैं। बाकी यही कहूँगी कि जहाँ रहो जैसे रहो हमेशा खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी जो है वह दोबारा नहीं मिले। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो बस मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।